इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ को कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोलाइट इज़ एनी सब्सटेंस जिसको अगर फ्यूज्ड फॉर्म में लिया जाए यानी मोल्टन फॉर्म में लिया जाए, या उसको अगर हम लोग सोल्यूशन की फॉर्म में लें बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर, तो अगर ये करंट को कंडक्ट कर देता है, अगर तो एक कंडक्टर है ये सोल्यूशन या फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर, तो दैट सब्सटेंस इज देन कॉल्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। हम लोगों ने देखा था कि आयनाइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, जब आप किसी सब्सटेंस को सोल्यूशन के अंदर लेके आते हो और अगर वो आयंस के अंदर ए बी फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है, वंस यू डिसॉल्व इट इन वाटर, अगर ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर स्प्लिट हो जाता है एक्वस फॉर्म के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं बिकॉज इसमें आयंस फॉर्म हो गए। हमने फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के हवाले से बात की थी कि ये जो मुख्तलिफ आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, दे एक्चुअली हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। किस तरीके से, आपके पास एक पूरा कंटेनर है जिसके अंदर यू हैव दिस डिसॉल्व फॉर्म के अंदर आपने ये ए प्लस और बी माइनस चार्जेस पड़े हुए। इफ़ यू वॉन्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यू पुट टू वायर्स इनसाइड जिनको पीछे से आपने वो हाई वोल्टेज अप्लाई की हुई है। अब ये जो वोल्टेज है ये क्या फोर्स करेगी इन इन आइंस को, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए इनके अंदर। जो पॉजिटिव वाला है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा ए के अंदर, और जो नेगेटिव वाला है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी इस सर्किट के अंदर कंटिन्यूड रहेगा और करंट फ्लो करता रहेगा। This is what you have seen already. आज हम इसी बात को आगे एक्सटेंड करते हैं और लेट अस सी कि जो टर्म इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हम किसके लिए यूज करते हैं। ये जो कंटेनर में अभी तक कह रहा था जिसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ होता है, लेट्स पुट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स से दिस इज अ मीडियम विच इज एनी इलेक्ट्रोलाइट। आप इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर दो इलेक्ट्रोड्स डाल दो, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, दो मीडियम्स होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। अब ये मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया किसी भी एक मटेरियल का, फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक और इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और फिलहाल लेट्स टेक दिस वन ऑल्सो ऑफ कॉपर, इसको भी आप कॉपर का ले लो। समझ लो कि दो कॉपर की यूं वायर्स हैं जिनको आपने डिप किया हुआ पानी के अंदर। इन दोनों वायर्स के अक्रॉस आप क्या करो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, वोल्टेज अप्लाई करो, एंड कीप इन माइंड दिस मस्ट बी डीसी वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। एसी से तो कोई फर्क वो होगा ही नहीं ना, कभी इधर से करंट आ रहा होगा कभी उधर, वो तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होगी। डीसी का मतलब यानी दिस टर्मिनल विल ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड दिस विल ऑलवेज स्टे नेगेटिव, राइट। अब जो आपकी नेगेटिव वाली साइड है, इसके साइड पे जो वाला इलेक्ट्रोड अटैच्ड है, ये जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव साइड के ऊपर अटैच्ड है, राइट। और जो आपका पॉजिटिव साइड के ऊपर इलेक्ट्रोड अटैच्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पहला काम तो ये होगा। नाउ सिंस दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज देयर, और सॉल्यूशन के अंदर ये जो मैंने पहले लिक्विड बनाया था, ये क्या चीज है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी जो ए प्लस और बी माइनस के अंदर स्प्लिट हुआ हुआ। अब डेफिनेटली इस प्लेट के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये जो नेगेटिव प्लेट है वी कॉल इट अ कैथोड, इट इज एन इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड जो पॉजिटिव प्लेट है वी कॉल इट एनोड एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड इज सॉरी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, एंड इट इज अगेन एन इलेक्ट्रोड। सो व्हाट हैपेंस इज के पॉजिटिव आइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, कैटाइंस, दे आर पॉजिटिव। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं मतलब बी माइनस, ये यहां पे एनोड की तरफ आ रहा था, वी कॉल देम एनायंस।
सो नॉर्मली इस बात में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनाइंस और एनोड में क्या फर्क है. एनाइंस आर बेसिकली द आइंस जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फॉर्म हुए हैं. मसलन दे कुड बी सी एल माइनस इज एन एनाइन, सिमिलरली एस ओ फोर माइनस टू इज एन एनाइन, सिमिलरली यू कैन हैव नाइट्रेट एज एन एनाइन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, वट एवर, दीज आर ऑल एनाइंस. और कैटाइंस आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन. ये सारे आपके पास कैटाइंस हैं. कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तभी कैटाइंस कैथोड की तरफ आते हैं. सिमिलरली एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तभी एनाइंस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. राइट right? यहां तक भी बात सिंपल है. नाउ वंस दे आर अट्रैक्टेड, उसके बाद होता क्या है, जो पीछे से आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी उसकी वजह से क्या हुआ था, इन दो प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आ गए थे, दो कॉपर प्लेट्स के ऊपर, और उनमें से एक को हमने फिर कैथोड और एक को एनोड कह दिया था. इट डजेंट मैटर, अगर आप इसको यूं करके लगाते ना, हाई लो हाई लो, तो फिर आपकी ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव हो जाती. इस साइड वाली जो कॉपर प्लेट है, फिर आप इसको कैथोड बोल देते और आप इस वाली को एनोड बोल देते. सो इट डजेंट मैटर आपने किस साइड पे लगाई, कौन सी प्लेट लगाई हुई है, इससे फर्क पड़ता है. ठीक है, कुछ बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि कैथोड हमेशा मसलन कॉपर का होगा और एनोड हमेशा मसलन स्टील का या आयरन का होगा या कार्बन का होगा, ग्रेफाइट का होगा, ब्ला ब्ला. ऐसी कोई बात नहीं है. जो आपके कैथोड और एनोड की आइडेंटिफिकेशन है वो इस बैटरी के टर्मिनल से होती है. जो नेगेटिव साइड पे आपने अटैच किया हुआ है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैथोड, एंड जो पॉजिटिव साइड पे आपने अटैच किया हुआ है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एनोड. लेट्स मूव ऑन. आपके पास एक सेल है, सेल को हम नॉर्मली एक कंटेनर की फॉर्म में लेते हैं. दिस इज अ कंटेनर जिसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए इन अ सोल्यूशन, और वो जो सोल्यूशन है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है. इलेक्ट्रोलाइट हम फॉर सिंप्लिसिटी ए बी ले रहे हैं, और जो कि ए प्लस और बी माइनस के अंदर स्प्लिट हुआ हुआ है. ए बी था जो आयनाइज होके ए प्लस और बी माइनस की फॉर्म में. अब चूंकि आपने इसके अक्रॉस टर्म पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस हैज बिकम अ कैथोड, सॉरी एनोड पॉजिटिवली चार्ज, एंड दिस हैज बिकम एन कैथोड नेगेटिवली चार्ज. अब जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव वाले के पास जाएंगे, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ए प्लस का मतलब ये है कि इसने एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, और नेगेटिव प्लेट का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, तो ये क्या करेगा, उस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक है, यानी एक्चुअली इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन समझ लो निकलेगा, और ये ए पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा, एंड दिस विल मेक ए सिंपली, ये दोनों मिलके ए बना देंगे, एंड ये ए कहां जाएगा, ये इस प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा. सिमिलरली सॉल्यूशन के अंदर जितने भी एज हैं ए पॉजिटिव, वो सारे अट्रैक्ट होते जाएंगे, एंड आफ्टर सम टाइम देयर वुड बी अ लेयर ऑफ दीज ए एटम्स ऑन दिस प्लेट. राइट, सिमिलरली अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएं. ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं, तो यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहां से उतने ही वापस भी जाने चाहिए ताकि सर्किट कंप्लीट रहे. ठीक है, बैटरीज डू नॉट वर्क दिस वे, के मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अगर इस तरह का एक सेल लिया है जिसकी एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, आप सिर्फ नेगेटिव वाले को कहीं से जोड़ दो एक बल्ब से, और बल्ब जनाब इधर नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन्स लेके सक करता रहे और उससे बल्ब जलता रहे. थिंक, ऐसा हो सकता है क्या कि आपने सेल का सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल अपने बल्ब के साथ जोड़ा हुआ है, और क्या ऐसा हो सकता है कि बल्ब खुद ब खुद इधर से नेगेटिव टर्मिनल्स को खींचता रहे, और चूंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे ना तो उसको तो जल जाना चाहिए. ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज सर्किट कंप्लीटेड नहीं है. ये नेगेटिव टर्मिनल्स यहां से निकलेंगे ही तब जब यहां से इनको एक ड्राइविंग फोर्स पीछे से वापस भी इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही होगी, जिसको हम फिजिक्स में ईएमएफ बोल देते होते हैं. यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी बैटरी के अंदर प्रोड्यूस ही तब होती है जब आपके पास पूरा एक सर्किट कंप्लीट हुआ हुआ होता है, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्राइव करती है फिर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स. सो वी वर सेइंग कि एक ईएमएफ चूंकि आपने जनरेट किया हुआ है, इस साइड से अगर एक इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन
सॉरी, अगर सॉल्यूशन के अंदर यहां कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एनोड से सॉल्यूशन से सर्किट में वापस भी जाना चाहिए, यानी इफ इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इनसाइड द सर्किट वन एट अ टाइम, वन इलेक्ट्रॉन मस्ट गो टू दिस, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वो इलेक्ट्रॉन बी माइनस से आएगा, ठीक है। बी माइनस जो है इट विल गिव अवे वन इलेक्ट्रॉन, एक तरह से डोनेट कर देगा जो उसने ऑलरेडी एक लिया हुआ था, बी माइनस का मतलब है बी ने एक ऑलरेडी चार इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ था, इट विल गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड बिकम बी, और अगर ये सी एल वगैरह है तो एक और बी के साथ मिलके बी टू बना देगा, सी एल टू या कोई गैसियस फॉर्म अटेन कर लेगा, और ये जो बी है ये जब यूं इस तरीके से बी में कन्वर्ट हो गया बी माइनस बी में, तो एक इलेक्ट्रॉन वो वापस सर्किट के अंदर चला जाएगा एंड इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीटेड रहेगा। तो जितने ए के रिएक्शंस हो रहे हैं ओवरऑल उतने ही बी के भी रिएक्शंस हो रहे होंगे, तभी ये सर्किट कंप्लीट रहेगा, और करंट उस वक्त तक इस सर्किट में फ्लो करता रहेगा, यानी बेसिकली तो अभी करंट फ्लो होना शुरू हुआ है ना, करंट उस वक्त तक फ्लो होता रहेगा जब तक आपके पास बी माइनस और ए प्लस एनफ अमाउंट में पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस सोल्यूशन के अंदर, ये जो आपने सोल्यूशन लिया था इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इसके अंदर आपने ए बी लिया कितना, लेट से आपने 0.1 ग्राम्स ऑफ NaCl लिया, ठीक है, या लेट मी मेक इट सिंपल, मैं नंबर थोड़ा सा इजी ले लेता हूं, आपने मसलन 0.585 ग्राम्स ऑफ NaCl लिया, ये बहुत ही मामूली सा, यानी समझ लो आपने नमक का सिर्फ एक दाना लिया और उसको आपने एक पूरे ग्लास के अंदर मिक्स कर दिया, एंड यू वांट टू सी कि अब कितनी देर तक करंट गुजरता रहेगा, इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, लेट सी के इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि 0.585 ग्राम्स जो हैं वो कितने मोल्स के इक्विवेलेंट है, एक NaCl का मतलब है Na का वजन इज 23 एंड Cl का वजन इज 35.5, सो दैट बिकम्स 58.5 ग्राम्स पर मोल, एंड अ सिंगल मोल कंटेन्स 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, विच मीन्स कि अगर आप NaCl के 6.022 × 10²³ फॉर्मूला यूनिट्स लो तो वो बराबर होते हैं, उनका वजन कितना होता है 58.5 ग्राम्स। ये मैं एक तरह से आपके रिवीजन करवा रहा हूं, ऑलरेडी जो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, इट्स नथिंग न्यू, मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बात की है कि NaCl का जो मोलर मास है दैट इज 58.5, मोलर मास मींस मास इन ग्राम्स पर मोल, और एक मोल इतने पार्टिकल्स होते हैं, विच इज एवोगाड्रोस नंबर, सो NaCl contains, one mole of NaCl contains this much of NaCl formula units, alright, and its mass is this much. अब आपको जो given mass है, it is 0.585 grams, which is 100 times lesser than this. So आप इसको 100 times less कर दो, this becomes 6.022 × 10²³ by 100, which becomes like this, × 10²³. अब इतने आपके पास Na positives हैं और इतने ही आपके पास Cl negatives हैं, and now you can calculate, for example अगर आपने voltage apply की, voltage जो कि आपको पता होता है ना 1.5 volts आपने apply किए, ठीक है, आप अब current निकाल सकते हो और उस current को फिर आप time से multiply कर सकते हो to get charge, sorry ये मैंने आपको उल्टा बोल दिया, चार्ज तो बल्कि आपको पता है ना, चार्ज ही तो अभी आपने निकाला है कि इतने पार्टिकल्स हैं तो, और एक पार्टिकल के कितना चार्ज होता है प्लस वन और इसका एक माइनस वन, तो ओवरऑल चार्ज तो आपको पता है, ठीक है, और ओवरऑल करंट जो है आप वोल्टेज से निकाल लोगे, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड द टाइम जितनी देर के लिए इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा, ठीक है, ये मैं आपको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जैक्टली क्या वैल्यूज होंगी उसके लिए यू नीड टू नो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो क्वालिटेटिवली मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को, मसलन एक पार्टिकल है उसका वजन अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि कितनी देर तक, अंदाजन कितनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी उसकी वजह से, ठीक है। लेट्स कम बैक हियर, हम ये बात कर रहे थे कि एक पॉजिटिव जो चीज होती है विच इज बेसिकली अ केटाइन, केटाइन जो है उसका चार्ज कम हो जाता है, यानी केटाइन हमेशा रिडक्शन रिड्यूस हो जाता है और उसकी रिडक्शन हो जाती है, केटाइन चूंकि कैथोड के पास जाता है और वहां पे रिडक्शन होती है, सो ये वाले तीन वर्ड्स आपने हमेशा इकट्ठे याद रखने, कैथोड, केटाइन्स उसके पास आते हैं और रिडक्शन होती है उसके ऊपर,
ठीक है. सिमिलरली एनोड, एनाइंस उसके पास आते हैं और ऑक्सीडेशन होती है वहां पे. और फॉर इट्स प्रूफ यू कैन सी कि ये बी माइनस था, इसका चार्ज माइनस वन था और यहां पे बी का चार्ज माइनस वन के बजाय जीरो हो गया, यानी इंक्रीज हो गया. इंक्रीज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दिस बी माइनस इज एन एनाइन नेगेटिवली चार्ज. इट वुड डेफिनेटली गो टू एनोड एंड ये आपके पास ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए. दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ जनरल सी डिस्कशन की है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली कर क्या रहा होता है, हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डीसी बैटरी या डीसी वोल्टेज की फॉर्म में. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शंस में फिर आपको फर्दर हेल्प करती है, वेयर यू आर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो आपने बीच में डाला हुआ, ठीक है. ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड. एंड वी ऑल्सो स्टडीड एनोड और कैथोड होते कौन सी हैं. एनोड जो आपने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव वाली साइड पे अटैच किया हुआ होता है, यानी इफ दिस इज योर सेल, दिस इज योर पॉजिटिव साइड, दिस इज योर नेगेटिव साइड, यहां पे आपने जो भी इलेक्ट्रोड अटैच किया है वी कॉल इट अ कैथोड, और पॉजिटिव साइड वाला एनोड बन जाता. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील सी कि अगर आप एक फ्यूज्ड सॉल्ट लो, फ्यूज्ड सॉल्ट हो सकता है या फ्यूज्ड कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने शुरू में इलेक्ट्रोलाइट को जब डिफाइन किया था वी सेड कि या तो वो फ्यूज्ड हो सकता है या फिर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा. अगर तो वो फ्यूज्ड सॉल्ट हो तो किस किस्म के प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, और अगर सॉल्यूशन हो तो फिर किस किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं. बाय प्रोडक्ट्स में यहां पे क्या मुराद लेना चाह रहा हूं, ये जो ऊपर मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोलिसिस का, इसमें ये जो आपने देखा था कि ये जो बी प्रोड्यूस हुआ था एट एनोड और ये जो ए प्रोड्यूस हुआ था एट कैथोड, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में देयर आर टू प्रोडक्ट्स, एक आपका प्रोडक्ट बनता है एट एनोड एंड एक आपका प्रोडक्ट बनता है एट कैथोड आफ्टर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली. सो हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्यूज्ड सॉल्ट में किस किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं और सॉल्यूशन में किस किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं सेपरेटली इन डिफरेंट लेक्चर्स, हम इसे बात देखेंगे.